शिमला में बीते दो दिनों से हो रही बारिश ने कहर डालना शुरू कर दिया है। शिमला के महली में एक मकान पर डंगे का पूरा मलबा आ गया है। ये मलबा मकान के अंदर तक चला गया है। मकान मालिक मोहिंदर सिंह का कहना है कि सड़क के साथ बने घरों का पानी डंगे की तरफ आता था, जिसकी वजह से दरारें आई और डंगा गिर गया, जिससे मकान को 5 लाख का नुकसान पहुँचा है। शिमला में बीते दो दिनों से हो रही बारिश ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। शिमला के महली में एक मकान पर डंगे का पूरा मलबा आ गया। ये मलबा मकान के अंदर तक चला गया। मकान मालिक महेंद्र सिंह का कहना है कि सड़क पर साथ बने घरों का पानी डंगे की तरफ आता था, जिसकी वजह से दरारें आई और डंगा गिर गया, जिससे मकान को 5 लाख तक का नुकसान पहुँचा है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। ये लैंडस्लाइड हुआ आपके मकान के ऊपर, कब ये हुआ, किस वजह से हुआ? ये कच्चा डंगा था, क्या था? डंगा तो ये पत्थर का था जी, और ये 5 साल पहले का डंगा था। तो ये बस धीरे धीरे इसमें दरारें आ रही थी, तो ये एकदम ये कुछ कल गिरा और कुछ जो बचा था वो आज गिर गया सवेरे 8 बजे। आपको कितना नुकसान हुआ है इसमें? ये 4 से 5 लाख के करीब है जी। इस डंगे के बारे में किसी को बताया नहीं था आपने प्रशासन को? पहले तो नहीं बताया था, एकदम ही आ गया। ये हल्की दरारें थी तो हम सोचे थोड़ा रिपेयर की जरूरत थी इसमें, पर उसका चांस मिला नहीं हमें, एकदम ही आ गया ये रात की बारिश के बाद। क्योंकि एक दिन पूरे दिन बारिश रही ना, रिमझिम बारिश रही, तो वो रिसाव की वजह से इसमें एकदम ही धक्का लगा।